हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में काफी कंफ्यूजन है, आइए समझते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की अगर बात करें तो उसमें दो हिस्से होते हैं, एक जो है रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, जैसे ये प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूं, ये नीचे आता हूं, पहले ये जे लिखा 7J। चलिए अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ए को प्रिंट करवा देता हूँ, F5 करके इसको सेव भी कर दूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ 7J प्रिंट हो जा रहा है। अब लेकिन ये पता कैसे चले कि ये कॉम्प्लेक्स ही डेटा टाइप है? तो यहाँ पर टाइप कीवर्ड का यूज कर लेंगे हम, तो ये बता देगा कि ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं। तो यहाँ पर F5 करके एंटर किया हमने, तो ये देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ये बता रहा है। यानी कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप अगर पहचानना हो तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी। एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में। ठीक है, ओके।